भारत ने शुक्रवार को न्यूक्लियर हथियार के साथ हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का कामयाब टेस्ट किया। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। शुक्रवार को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने उड़ीसा तट पर नेवल शिप से इसे लॉन्च किया। DRDO के मुताबिक मिसाइल ने कामयाबी से अपने टारगेट को हिट किया। टेस्ट के दौरान उम्मीद के मुताबिक नतीजे भी सामने आए। ये मिसाइल भारत में तैयार पृथ्वी 2 का डेवलप वर्जन है। इस मिसाइल को इंडियन नेवी के SFC के ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम के दौरान बंगाल की खाड़ी के प्रायद्वीप से इसे लॉन्च किया गया। धनुष 8.53 मीटर लंबी है और 0.9 मीटर चौड़ी है। ये मिसाइल 500 किलो तक के विस्फोट के साथ हमला करने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में जमीन और समुद्र दोनों जगह से मार कर सकती है। ये उन 5 मिसाइलों में से एक है जिन्हें DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। धनुष के भी टेस्ट से पहले पृथ्वी 2 मिसाइल का टेस्ट हुआ था। उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड पर 18 जनवरी को अग्नि 5 और 6 फरवरी को अग्नि 1 का भी कामयाब टेस्ट हो चुका है। DRDO ने आधुनिक सिस्टम के जरिए टारगेट पर सटीक हमला करने वाली पृथ्वी 2 का इसी महीने कामयाब टेस्ट किया था। आपको बता दें कि अत्याधुनिक पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये 1000 किलो तक का वजन साथ ले जा सकती है, जिसके चलते ये युद्ध स्थिति में सेना को अधिक मदद पहुंचाएगी। ये पहली एक ऐसी मिसाइल है जिसे DRDO ने एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर महीने मिसाइल टेस्ट कर रहा है और वो सारे टेस्ट सफल भी हो रहे हैं, जिसे देख पड़ोसी देश भी हैरान है। जब से चीन और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ी हैं, उसे देखते हुए भारत ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब देने की सोच रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।